आखिर आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि हम कैसे पायलट प्रोजेक्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बिल्कुल संभव है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे बैंक हमें इनवाइट भेजेगा ताकि हम डिजिटल करेंसी ई रुपया वॉलेट को आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे हम आपको लाइव दिखाएं कैसे अकाउंट बनाया जाता है, कैसे बैंक अकाउंट को लिंक किया जाता है डिजिटल करेंसी ई रुपया वॉलेट में, और ई रुपया को कैसे बैंक से इशू किया जाता है, कैसे खरीदा जाता है। तो मैं आपको पूरी लाइव बताया हूँ, वो भी मोबाइल से, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं, उसमें पूरा इन्फॉर्मेशन बताया गया है। और आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ICICI बैंक का जो डिजिटल ई रुपया ऐप्स आया है वो भी मैं आपको प्रोवाइड किया हूँ। टेलीग्राम चैनल पे हम आपको एप्लीकेशन प्रोवाइड करा दिया था, तो काफ़ी सारे दोस्त वहाँ पे यूज भी कर रहे हैं। तो आप IDFC फर्स्ट बैंक का डिजिटल ई रुपया ऐप्स में ज्वाइनिंग कर सकते हैं। कैसे आप IDFC फर्स्ट बैंक का पायलट प्रोग्राम को ज्वाइनिंग कर सकते हैं और कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, तो चलिए जान लेते हैं। 8 बैंकों को शामिल किया गया है इस डिजिटल पायलट प्रोजेक्ट में, लेकिन अभी 4 ही बैंकों में शुरू किया गया है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, ICICI बैंक। आने वाले दिनों में, आने वाले समय में 4 बैंकों को और ऐड किया जाएगा, जैसे HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा को भी जोड़ा जाएगा। अभी वर्तमान में 4 शहर में लागू किया गया है यह डिजिटल करेंसी ई रुपये। शहर के इस प्रकार नाम है दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, भुवनेश्वर, जिसमें पायलट प्रोजेक्ट का पहला चरण शुरू किया गया है। आने वाले टाइम में और भी शहरों में शुरू किया जाएगा, जैसे अहमदाबाद, गुवाहाटी, गंगटोक, हैदराबाद, इंदौर, कोची, पटना, लखनऊ, शिमला। IDFC फर्स्ट बैंक का पायलट प्रोजेक्ट ज्वाइनिंग करने के लिए तो आप इस IDFC फर्स्ट बैंक के पेज पे आ जाएंगे। इस पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पे हम प्रोवाइड कर दिए हैं। इस पेज पर आने के बाद इस पेज को थोड़ा सा आप ऊपर करेंगे, इसके बाद आपको नोटिफाई मी का एक ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे अपना एक ईमेल आईडी इंटर करेंगे, इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। अगर आपका IDFC फर्स्ट बैंक में खाता है तो जो खाते में मोबाइल नंबर लिंक है वही आप यहाँ पे इंटर करेंगे। अगर आपका खाता नहीं है तो आप कोई भी मोबाइल नंबर इंटर यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सिटी आप चूज करेंगे, और यहाँ पे दिल्ली, मुंबई शहर के लिए अभी ये लागू किया गया है। आप इनमें से हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे एक अदर का भी ऑप्शन दिया गया है, आप जिस भी शहर से हो वो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। इसके बाद गेट OTP पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया है उस पे OTP आ जाएगा। OTP आने के बाद आप OTP को इंटर करेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आपका IDFC फर्स्ट बैंक का खाता है तो इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। तो जब इनका IDFC फर्स्ट बैंक का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा तब आपको नोटिफिकेशन के जरिए सूचित कर दिया जाएगा, तब आप जो है डिजिटल करेंसी यानी कि ई रुपये वॉलेट को इस्तेमाल कर पाएंगे। आने वाले समय में अगर कोई इस पे नई जानकारी आता है तो मैं आपको बताऊंगा, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अगर आप अभी टेलीग्राम पर ज्वाइनिंग नहीं हुए हैं जाके आप ज्वाइनिंग कर लीजिए, ताकि कोई भी IDFC फर्स्ट बैंक हो चाहे कोई भी बैंक हो, अगर उसका एप्लीकेशन आता है डिजिटल करेंसी से रिलेटेड तो मैं आपको वहीं पे प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो दोस्तों दीजिए मुझे इजाज़त, तो फिर मिलते हैं किसी एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।